हेलो आप देख रहे हैं टॉकिंग स्लाइड्स जहाँ पर मैं मेरी नॉलेज और ओपिनियन आप सबसे शेयर करता हूँ मेरी आज की वीडियो है धीरूबेन पटेल पर हु वाज अ गुजराती नॉवेलिस्ट हु अचीव सक्सेस ड्यूरिंग अ पीरियड वेर मोस्ट वुमेन वेर नॉट इवन गो टू स्कूल द पेरेंट एट दैट टाइम

किया था जिसे अक्सर बीए के नाम से जानते हैं फिर उन्होंने 1949 में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था यानी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी फातिमा बीवी के बारे में ये जो है लीगल सर्कल में इन्होंने कई काम पहली बार किए थे ऐस महिला जैसे की लीगल सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज बनी थी है। कुछ इसी तरह से धीरूबेन पटेल भी है इन्होंने काफी सारे अचीवमेंट किए थे और वो काम किए थे जो अक्सर महिलाएं नहीं करती थी उस दौर में ये इन्होंने जो है इंग्लिश पढ़ाया था दिसर स्कूल में करीब 1963 में फिर उसके बाद में इन्होंने भारतीय विद्या भवन में भी इंग्लिश की टीचिंग की थी फिर ये जो है आनंद पब्लिशर के साथ काम भी करती थी नॉवेलिस्ट थी तो पब्लिशर के साथ जो है आ, काम करती थी उसके बाद में इन्होंने खुद पब्लिशिंग हाउस खोल लिया जिसका नाम थी जिसका नाम था काल की प्रकाशन ये किया था उन्होंने करीब 1964 में पचास के करीब इन्होंने जो है गुजराती नावल्स लिखी हैं लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ नावल्स नहीं थी ये ख़ुद की नावल्स को ट्रांसलेट भी करती थीं ये एक फ़िल्म राइटर भी थीं और एक प्ले राइटर भी थीं इन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी लिखी और इन्होंने काफ़ी स्टेज प्लेस भी लिखे इनकी एक नावल आई थी अगंत नाम की ये अगंतुक नावल जो है इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिलाया था गुजराती लैंग्वेज में इनके करीबी बताते हैं कि ये जो है इनके जो दिमाग में चलता था वो सीधे पेपर में उतारती थी ये सोच करके चेंज फ्रेम करके अलग लिख के उसको फिर री करना इस तरह से ये नहीं करती थी जो दिमाग में आया जो पेप, उसके बाद में जो पेपर पे छपा वो फ़ाइनल हो जाता उसमें करेक्शंस करना फिर उसको रीराइट करना इस तरह के काम वो नहीं करती थी एक करीबी ये भी बताते हैं कि 25 मिनट में ही इन्होंने एक बार एक प्ले लिख करके ला करके के इनके उनके टेबल पर रख दिया था फातिमा बीवी की तरह इन्होंने भी कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं की 10 मार्च 2023 इस तारीख से ये अब हमारे बीच में नहीं रहीं एक इतिहास ख़त्म हुआ और एक राइटर जो गुजरात में मशहूर थी वो अब हमारे बीच में नहीं रहीं इसी के साथ एक मशहूर लेगेसी ख़त्म हुई इस वीडियो में बस इतना ही बाद में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में